गुड इवनिंग गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कहां पे काम काज कर सकती है, और साथ ही साथ फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो हीरो जीरो ट्रेड कहां पे बन सकते हैं और हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहां पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट पे कि ग्लोबल मार्केट से क्या सेंटीमेंट निकल कर आ रहा है। तो हमारे सामने ग्लोबल इंडाइसेस ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नैस्डैक माइनस 16 पॉइंट पे है। वही बात करें डॉ जोन्स की तो डॉ जोन्स माइनस 125 पॉइंट है। तो ये सेंटीमेंट निकल कर आ रहा है कि मार्केट निगेटिव हो सकता है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन से क्या डेटा निकल कर आ रहा है। तो हमारे सामने ऑप्शन चेन का डेटा ओपन हो चुका है। तो बात करें कॉल साइड में तो 18,450 के लेवल पे 36,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, 18,600 के लेवल पे 29,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है और 18,650 के लेवल पे 42,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। वही बात करें पुट साइड में तो 18,400 के लेवल पे 81,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, 18,350 के लेवल पे 70,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, 18,300 के लेवल पे 44,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो इसे ये सेंटीमेंट निकल कर आ रहा है मार्केट बुलिश हो सकता है। चलते हैं फिर चार्ट पे। तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। जैसे यस्टरडे वीडियो में हमने बात किया था कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और 18,350 के लेवल को ब्रेकआउट करता है विथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में, तो इसमें हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे निफ्टी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। तो बात कर लेते हैं कल निफ्टी कहाँ पे काम काज कर सकती है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 18,400 के लेवल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट देता है तो इसमें मैं बाई की पोजीशन बनाकर चलूंगा 18,460 के लेवल तक के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 18,380 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो इस पे मैं सेल की पोजीशन बनाऊंगा 18,330 के लेवल तक के लिए। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 18,460 के लेवल के आसपास तो इस पे मैं वेट करूंगा जब तक कि कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बन जाता या कोई अच्छा सा पैटर्न नहीं बन जाता, तब तक के लिए मैं वेट एंड वॉच करूंगा। वही बात करें अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 18,350 के लेवल में तो मैं यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने का वेट करूंगा और बनने के बाद छोटा सा एसएल लगाकर मैं इस पे बाय की पोजीशन लूंगा। तो ये रहा मेरा निफ्टी पे व्यू। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। जैसा कि देख सकते हैं तो यस्टरडे वीडियो में हमने बात किया था कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में 43,900 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इसमें हम बाई की पोजीशन बनाकर चलेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 43,900 के लेवल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रैली देखने को मिला। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पे काम काज कर सकती है। 44,000 के लेवल पे फ्लैट ओपन होता है और 44,150 के लेवल को ब्रेकआउट करता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में, तब इसमें मैं बाई की पोजीशन बनाऊंगा। अगर वही 44,000 के लेवल पे फ्लैट ओपन होने के बाद 44,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 43,900 तक के लिए मैं इसमें छोटा सा एसएल लगाकर सेल की पोजीशन बनाऊंगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 43,900 के लेवल के आसपास तो इसमें मैं बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने का वेट करूंगा और बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो मैं छोटा सा एसएल लगाकर बाय की पोजीशन बनाऊंगा। अगर वही बात करें बैंक निफ्टी 44,200 के लेवल के आसपास गैप ओपन होता है तो मैं जब तक कोई बुलिश पैटर्न नहीं बन जाता तब तक का वेट करूंगा। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू। चलते हैं फिन निफ्टी पे। तो हमारे सामने फिन निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। तो बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में। अगर फिन निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है और अप साइड में मूव करता है तो 19,640 के लेवल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट देता है तब इसमें मैं बाय की पोजीशन बनाऊंगा। और वही बात करें फ्लैट ओपन होने के बाद 19,560 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर निफ्टी में मैं 19,500 के लेवल तक के लिए सेल कर चलूंगा। अगर बात करें फिर निफ्टी 9,500 के लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो मैं यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो छोटा सा एसएल लगाकर मैं बाय की पोजीशन बनाऊंगा। तो ये रहा मेरा फिर निफ्टी पे व्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।